नमस्कार, वादा के इस खास शो एफएनडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कालरा। तो पहले पांच बड़ी बातों से आज शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे ठीक बजट से पहले आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर। पिछले दो तीन दिन से बाजार के अंदर जो तेज गिरावट थी वो रुकी है। कल मार्केट ने पहली बार एक बेस बनाया, हरे निशान में निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हुए। अभी भी आज अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक 0.5% की बढ़त के साथ हरे निशान में है और निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हरे निशान में टिक जाए और कुछ गेन आ जाए। पहली बड़ी बात तो यही है कि उतार चढ़ाव के साथ काम हो रहा है। 18 के आसपास कभी भी विक्स बना हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि वॉलिडिटी अपने चरम पर है, हफ्ते भर के हिसाब से या महीने भर के हिसाब से। अब आप स्विंग 350 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे देख पा रहे हैं, जो पहले 200 पॉइंट तक सीमित रह जाता था। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा मजबूती है। दो बड़ी वजह हैं, पहले तो बैंक निफ्टी के कल 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग, दूसरा बैंक निफ्टी अपने 200 दिनों के एवरेज से पुल बैक दिखा रहा है, तीसरा कि बैंक निफ्टी के जो बड़े और पक्के शेयर हैं वहाँ पर कुछ कुछ शॉर्ट कवरिंग के साइन हमको दिखने लगे हैं। और आज शुरुआत में भी 40,500 जब इसने पार किया था तो एक पड़ाव गिरावट का उसने अपना रोक दिया, अब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। FMCG, IT, फार्मा शेयरों से अभी भी कुछ कमजोरी है। आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें से दो तो टिपिकली डिफेंसिव हैं और IT के अंदर तो रुक रुक के बाइंग सेलिंग दोनों चीज़ें हो रही हैं। कोई बड़ा सेगमेंट या कोई बड़ी एक तरफा मूव हमको नहीं दिख रहा। चौथी बड़ी बात, सरकारी बैंक मेटल और ऑटो शेयरों में कुछ हद तक खरीदारी है। आपको इन सेक्टर्स को देख के लग रहा होगा कि जो एग्रेसिव सेक्टर्स हैं वहाँ पे कुछ कुछ पोजीशंस बन रही हैं। अडानी की वजह से जो मार्केट के अंदर गैप बना या फिर गिरावट आई उसका फायदा अब इन सेक्टर्स को वापस तेजी के रूप में मिल रहा है। इंडियाविक्स अब 1.5% टूट चुका है। आज पहली बार इंडियाविक्स के अंदर जो गिरावट आई है वो 1% से कहीं ज़्यादा की नहीं, तो तीन दिन में इंडियाविक्स बैक टू बैक हरे निशान में था और बड़ी तेजी के बाद करीब 28% रिटर्न दे चुका होगा आपको। खैर आगे बढ़ते हैं, ये निफ्टी का फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर है, करीब 4% ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। 100 पॉइंट का ऊपर का प्रीमियम है। हम आपको प्रीमियम इसलिए बार बार नोटिस करवा रहे थे कि ये पहला साइन होता है, सूचक होता है, जिससे ये पता लगता है कि गिरावट कितनी थमेगी और हम सब का कॉन्फिडेंस कितना हाई है। तो हाई कॉन्फिडेंस के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी समय ट्रेड कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से जुड़ जाएंगे। तो कल की जो कॉल थी उसमें पिरामिल एंटरप्राइज था, अजित मिश्रा कल हमारे साथ जुड़े थे, वो आपको सौदे बता रहे थे। 3% तक का रिटर्न आपको वहाँ पे मिला होगा, हमने दो शेयर उनसे पता किए थे तो उसमें पिरामिल उन्होंने चुन लिया था। कल आपको ध्यान होगा जो जो हम सेगमेंट उनके सामने रख रहे थे उसमें से एक एक शेयर का ही चुनाव कर रहे थे, उनके कुछ अपने शेयर्स भी थे। M&M हमने चुना था ऑटोज के अंदर, तो करीब 1.5% का रिटर्न। बजाज फिनसर्व के अंदर करीब 1% का रिटर्न। तो कुल मिला के ये जो शेयर्स हैं, जो सेलेक्टिव शेयर्स हम आपके सामने रखते हैं उसका रिटर्न अगले ही दिन आपके सामने रख देते हैं। हालांकि कई दिनों तक फिर आगे भी चल सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको कम से कम सेकेंड डे रिकॉल करा दें कि जो हमने वन डे बिफोर किया था उसका क्या इस समय लेखा जोखा चल रहा है। अब ये शेयर हो सकता है आगे और भी चलें, शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर और भी है, लेकिन फिर भी नोटिस करवाना और बताना दोनों ही हमारा काम है, इसलिए हम ये काम ज़रूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आज के मेहमान से हम रूबरू होते हैं, प्रशांत सावंत हैं। एक बार उनसे पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत जी शुक्रिया समय देने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे अपना आउटलुक दे दीजिए। बाजार ने कल से शुरुआत की है डैमेज कंट्रोल करने की, अब आप बताइए पुल बैक कितना स्मार्ट कितना तेज आएगा भी कि नहीं आएगा। जी डीपी जी, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों, नमस्कार। तो हमने एक बहुत स्ट्रांग डाउन देखी पिछले एक्सपायरी यानी बुधवार, क्योंकि गुरुवार की छुट्टी थी, तो बुधवार शुक्रवार और कल तीनों ही दिन हमने बहुत बड़ी डाउन मूव देखी। और मुझे लग रहा है कि कल जो लो बना, यानी करीबन अगर मैं देखूं तो हम मान के चलेंगे 17,500, तो मुझे लग रहा है कि ये फरवरी फ्यूचर्स के लेवल में बात कर रहा हूं। 17,500 का जो लेवल होगा ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल है। इसके थोड़ा नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो स्ट्रेट 17,280 आ रहा है, यानी अगर हम 17,500-480 के जोन को ब्रेक करें तो वीकनेस बहुत बढ़ जाएगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये लेवल काफी इंटैक्ट है। ये मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि कल जो प्राइस एक्शन हुई वहां एक न्यूट्रल कैंडल स्पिनिंग टॉप जैसा बना है और वहां पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, यानी दोनों तरफ पुल था। अब डायरेक्शन कब आएगी, तो अगर हम जो कल का हाई बना हुआ था यानी करीबन मैं मान के चलूंगा 17,850 830 के थोड़ा ऊपर, तो 17,850 के ऊपर जब हम फरवरी फ्यूचर्स में निकल जाएंगे अभी के प्राइस से बिल्कुल 100 पॉइंट ऊपर, और वहां पे हम 15-20 मिनट में सस्टेन करें, तो मुझे लग रहा है कि हम एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आज दोपहर को देख पाएंगे, जो कि एक बजट के एंटिसिपेशन में रैली हो सकती है। तो दूसरी बात, मेरी एक स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि ऑप्शंस ओवरनाइट कैरी मत कीजिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा हुआ है कि जब बजट स्टार्ट होता है यानी सुबह से लेके करीबन 12 बजे तक, तब ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड होना शुरू होते हैं,
दूसरी बात, हम एक्सपायरी के बहुत नजदीक रहेंगे, तो अगर आप ऑप्शंस कैरी करना चाहते हो तो अगले हफ्ते के या मंथली ऑप्शंस कीजिए, वीकली मत कीजिए। और यहाँ तक 17,850 के ऊपर जब हम क्रॉस हो जाए, 15-20 मिनट सस्टेन करें, तो मुझे लग रहा है हम एग्रेसिव इंट्राडे लॉन्ग्स रख सकते हैं। हमारा इंट्राडे बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,775, और वहां से हम 100-150 पॉइंट की रैली देख सकते हैं, बट प्योरली इंट्राडे ही ट्रेड करेंगे। ओवरऑल जो मेरी राय बजट के लिए है वो ये है कि कल शाम अगर हम क्लोज हो जाए करीबन 17,900-920 के ऊपर फरवरी फ्यूचर्स में, तो मुझे लग रहा है वो एक स्ट्रेंथ दिखाएगा। और कल शाम को जो इवेंट है यानी फेड की पॉलिसी, वो परसों ओपनिंग पे हमें दिखाई देगा। अगर वहां से भी पॉजिटिव न्यूज आके हम फॉलो थ्रू दे यानी कल के हाई के ऊपर ट्रेड करें, तो मैं कहूंगा कि जो पेन था वो डेफिनेटली रुक गया है और हम शायद हम ऊपरी लेवल्स को जा सकते हैं जो 18,200 या 300 तक आ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए मैं वेट एंड वॉच इंडेक्स पे करूंगा। और इसी के साथ बैंक निफ्टी में अगर देखूं तो आपने जो बिल्कुल राइट वर्ड यूज किया कि काफी सारे बैंक्स पिकअप हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ दिनों पहले तक देखूं तो इंडसइंड बैंक बहुत ज्यादा वीक था। आज इंडसइंड बैंक फिर से 1,090 के ऊपर आया। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ दिखा सकता है। एक्सिस भी वेट कर रहा है और एसबीआई थोड़ा पिकअप हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और कल की जो हमारी क्लोजिंग थी यानी करीबन जो हाई बना हुआ था 41,150 अप्रोक्सीमेटली मान के चलूंगा, अगर 41,200 इस लेवल को फ्यूचर्स में क्रॉस करते हैं जैसे ही मैंने निफ्टी के लेवल दिए थे, तो मुझे लग रहा है हम 300-400 पॉइंट 1-2 घंटे में ही देख सकते हैं। और आज अगर हम कल से देखें तो 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी पे आधे पौने घंटे में मूवमेंट आ रही है। तो विक्स बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी जो मेजर लेवल्स डाउन साइड में प्रोटेक्ट करने होंगे वो जैसे मैंने निफ्टी के लिए कहा 17,480, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए होगा 39,800 फ्यूचर्स में। ये लेवल बहुत अहम होगा, जब तक ये इंटैक्ट है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी पिकअप हो सकती है। ठीक है, दोनों पे आपका सुनने से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा स्टांस अपना बुलिश रखना चाहते हैं। एक और चीज़, एक बार निफ्टी की वापस से प्लेट लेके आई, इसमें आपको 777 जो लिखा है ना, इससे अब आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 25 पॉइंट दूर है। हालांकि ये पूरा ट्रेड आपको कंडीशन के साथ दिया गया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना और डाटा के हिसाब से भी 777 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाए तो आपके लिए बुरे नहीं है। भले आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट या 50 पॉइंट इसके ऊपर भी क्लोज करके जाएंगे ना, तब भी आप इसको ट्रेड लेने के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तब सिर्फ 50 पॉइंट दूर रह जाएगा। कोशिश कीजिएगा इंट्राडे में जैसे ही 50 पॉइंट और 25 पॉइंट और मिल जाए, सौदा को बना भी सकते हैं। ये इंट्राडे का स्विंग भी आ सकता है, अभी तो सिर्फ 12 बजे है, 3:30 बजे बाजार बंद होगा। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो तो ऑप्शंस मत लेके जाना, अगर लेके ही जाना हो तो फिर फ्यूचर्स ही लेके जाना, ऑप्शंस बिल्कुल नहीं। बैंक निफ्टी की भी प्लेट से एक बार वापस से दिखा दीजिए और वहाँ पे किस तरह का ट्रेड बनेगा वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि अभी जो दो दिन का हमको तेज़ गिरावट मार्केट के अंदर दिखी थी, काफ़ी हद तक वो सेटल डाउन हुई है और बाज़ार अब थोड़ा रिकवरी मोड में है। और उम्मीद करते हैं कि ठीक जब बजट की स्पीच चल रही होगी उससे पहले ही मार्केट आपको अच्छी रिकवरी करके दिखा भी देगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्टील कंपनी और जिस स्टील से बनती है गाड़ी वो एक मारुति है, तो हमने दोनों शेयर्स को चुन लिया और दोनों एग्रेसिव हैं। ऑटोस तो खैर इसमें काफ़ी दम से चल भी रहा है और दूसरा मेटल्स को लेकर भी पुलबैक काफ़ी शार्प है। सर दोनों शेयर्स चेक कर लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील मेरे को पता है शायद आपके फेवरेट काउंटर्स में से एक भी है। जी डिम्पी जी बिल्कुल, और जो आज की ओपनिंग है ये स्ट्रेट ओपनिंग पे ही बता रहा है कि बेयर ट्रैप हो चुके हैं। नॉर्मली जब बेयर ट्रैप होते हैं तो बहुत तेज मूव आते हैं, तो इसमें मैं आउटराइट बाय दूंगा। अभी ये करीबन 715-16 के रेंज में चल रहा है, जो कल का लो बना था यानी 692, ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 690 का। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 698 का, और एंटर कर सकते हैं 704 का लेवल भी, आपको स्टॉप लॉस के लेवल पे शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है। बट मुझे लग रहा है इसमें पोजिशनल व्यू रखना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट लेवल आएगा वो करीबन 740 तक का आ सकता है, और उसके ऊपर हम सस्टेन करें शायद हम जो कंसोलिडेशन का हाई है 775 वो फिर से पा सकते हैं। तो यहाँ से अपसाइड ज्यादा है तो पोजिशनल व्यू रखना बेटर होगा। और मैं जब मारुति को देख रहा हूँ तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि बहुत दिनों बाद ये 8,850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और काफी वक्त से सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, जब थोड़ा वीकनेस दिखा है तब वॉल्यूम्स कम थे, तो मैं इस ब्रेकआउट को एक कंसोलिडेशन के बाद वैलिड मानूंगा। और कल ऑटोस के नंबर भी आने, तो
तो मुझे लग रहा है कि 8920 चल रहा है, आप 8850 8850 करीबन 1% आपकी रिस्क होगी, स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। टारगेट आप यहां से रखिए 9040 9040 और उसके ऊपर 9100 का। और अगर कोई चाहे तो मारुति मेरे हिसाब से आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसकी जो 8800 की कॉल है वो भी 286 यानी 290 के रेंज में चलती है, हम इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 235 का, 235 240 के रेंज में, तो हम 235 मान के चलेंगे और यानी करीबन 40 पॉइंट हमारी रिस्क होगी। और यहां से हम टारगेट रख सकते हैं 350 का टारगेट वन और 390 का टारगेट टू। तो आइदर ऑप्शंस के जरिए या नॉर्मल स्पॉट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो तेजी वाले शेयर्स में JSW स्टील, मारुति, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं। मारुति का ऑप्शंस का सौदा भी हमने कन्वर्ट कर दिया, अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा ये। और पहले आप जरा फ्यूचर्स के लेवल नोट कर लें, 9040 ये आपके लिए टारगेट है और हमने कई बार आपको ये नोटिस भी करवाया है। अगर आप फ्यूचर्स नहीं लेना चाहते, आपको लगता है एक्सपोजर ज़्यादा है, सस्ती और टेकआउट कॉल आपकी स्क्रीन पर है, 8800 की कॉल आपको लेनी है और इसका जो टारगेट है वो 300 प्लस का हो जाएगा। अभी ये चल रही है 200 की रेंज में, 235 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, 280 के आसपास मिलेगी, 350 390 आपके लिए टारगेट है। लिख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए, बट इन सौदों को छोड़िएगा नहीं, ये सौदे काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मार्केट के अंदर पुल बैक आता है तो पहले पुल बैक वाले शेयरों की अलग छटनी कीजिएगा, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है उसको अलग छांट लीजिएगा। ये स्ट्रेंथ वाला शेयर है, ये पुल बैक वाला शेयर नहीं है। हाँ, तो मारुति, इसके अलावा JSW स्टील के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर होंगे। सर, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, फर्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर और दूसरा है BHEL, इन दोनों पे क्या करें? अभी चंबल पे पहले व्यू दूंगा मैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी हम 303 के आसपास है, थोड़ा सा अभी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं है, तो मैं कंडीशनल बाय इसमें दूंगा 305 के ऊपर, यानी जस्ट दो पॉइंट वेट करना है, 305 के ऊपर बाय करेंगे और 302 का स्टॉप लॉस रखेंगे बहुत नजदीक, और वहां से टारगेट रखेंगे हम 312 का। तो 305 के लिए वेट कीजिए, क्लियर ब्रेकआउट मिल जाएगा और 302 का स्टॉप लॉस रख के आप फिर 312 के लिए ट्रेड कर सकते हो। बेल पे दो तरीके का व्यू दूंगा मैं, एक होगा शॉर्ट टर्म, आप इसी लेवल पे बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 75 50 75 50 और यहां से टारगेट रखिए 83 से लेके 84 का, मुझे लग रहा है वहां तक हम जा सकते हैं। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक, और ये मैं आप ऐसा मान सकते हैं कि मैं एक बजट के पहले कह रहा हूँ, अगले बजट तक होल्डिंग के लिए, तो अगर ये स्टॉक 88 लेवल्स के ऊपर आपको जब भी वीकली क्लोजिंग दे दे पूरे साल में, आप इसको ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में और आपका स्टॉप लॉस होगा 80 का, और वहां से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 110 115 के लेवल बहुत आसानी से दिखा सकता है। तो वो पोर्टफोलियो बेसिस के लिए भी ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने कहा 75 50 का स्टॉप लॉस और 83 84 का आप टारगेट रख सकते। ठीक है, BHEL पे आपका एक व्यू पॉइंट हमको मिल गया। और इसके अलावा जो शॉर्ट कवरिंग का दूसरा शेयर हमने आपके सामने रखा चंबल फर्टिलाइजर, उस पर भी आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं, 312 302 ये लेवल्स अच्छे से नोट कीजिएगा, सिर्फ गेम लेवल्स का ही है। कन्विक्शन तो आपको पता ही है, आपको पता है BHEL को लेकर सरकार जब भी बोलेगी तो पॉजिटिव ही बोलेगी, नेगेटिव तो बोलने से रही। दूसरी बात, फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर भी सरकार बजट में कुछ ना कुछ बोलती है, तो एक्शन पहले से ही है मार्केट में, बस आपका काम यह है कि लेवल से, एंट्री लेवल से एग्जिट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। जैसे इसमें कंडीशन लगी हुई 305 के ऊपर आके लेना है, तो 2-3 रुपये अभी और आएंगे तो उसके बाद एंटर करना है चंबल के अंदर। तो यहीं पर हमारा तेज़ी वाला जो सेगमेंट है ख़त्म हो गया, सारे सौदे आपने नोट कर लिए होंगे, इंडेक्स का मोटा मोटी व्यू आपके सामने हमने रख दिया। अब आते हैं जरा मंदी वाले सेगमेंट की तरफ, तो आज के फ्रेश शॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर। टेक महिंद्रा और लॉरस लैब्स देख लीजिए इन दोनों को। टेक महिंद्रा तो पोस्ट नंबर टूट रहा है क्योंकि इसके नंबर्स उतने ठीक नहीं थे जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑल दो IT कंपनीज को ऐसी पनिशमेंट मिली नहीं है, लेकिन इसको मिली है 3%, और दूसरा लॉरस लैब, ये 3% नीचे है। जी डिम्पी जी, टेक महिंद्रा टूट रहा है, बट अगर हम देखें एक स्विंग को, तो अभी तक ये एक हायर बॉटम के लेवल में है और जो लो बना हुआ था पिछली बार यानी 985 वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी शॉर्टिंग पोजिशनली अवॉइड करूंगा क्योंकि ये एक रिजल्ट बेस्ड इमोशनल सेलिंग है, तो मैं इसको फिलहाल अवॉइड करके लॉरेंस लैब्स में क्लियर कट शॉर्ट ट्रेड देख रहा हूँ। हालांकि ओवरसोल्ड है, हो सकता है पुलबैक आए, बट हम एक छोटे रिस्क से यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अभी हम 331-332 के जोन में, 337 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख दीजिए, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन होता है अगर स्टॉक, तो हमें पहला लेवल जो मिलेगा वो 320 का होगा फर्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट हम 312 तक का भी देख सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये एक
आपके लिए ट्रेड बन गया है लॉरस लैब और इस सभी सौदों पे जो लेवल्स है ना, बस मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा कि लेवल्स का ही गेम है, आपको कन्विक्शन पता है। अच्छा, टेक महिंद्रा के बारे में ऐसा नहीं है कि आपको हमने चताया नहीं, आपको बताया नहीं। जो मैं अगले अनवाइंडिंग का शेयर रख रहा हूँ, कल तो आपको याद होगा, कल हमने दिन में 3-4 बार उसका डिस्कस किया कि पठान मूवी तो चल गई लेकिन PVR नहीं चल रहा। अनवाइंडिंग के शेयर्स लेके आई जरा सामने, उसमें आपको एक शेयर PVR का दिखेगा। ये कल ही सिग्नल दे रहा था कि ये बाजार के पुल बैक का पार्टिसिपेंट नहीं है। आप एक बार जरा इसको चेक करेंगे सर, परसिस्टेंट को और PVR को? जी बीपी, परसिस्टेंट पहले चेक करूंगा तो मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई चाहे तो एक 1% रिस्क रखे, यानी 4490 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अगेंस्ट कॉल दूंगा, 4490 का स्टॉप लॉस रख के क्लोजिंग बेसिस, यहाँ से ये पिकअप हो तो हमें 4700 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। और PVR जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे कोई चाहे तो एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अभी करीबन हम 1675 के लेवल पे, मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1690 के ऊपर, यानी 1692 होना चाहिए। और जो टारगेट आप रख सकते हो वो यहाँ से 1650 का रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने जो शेयर्स पता करने थे आपसे पता कर ही लिया, हमने कुल मिला के 8 शेयर आपसे पता किए, उसमें से छांट के आपने कुछ कुछ शेयर्स पे ट्रेडिंग कॉल्स दे दी है। हमारा सिंपल सा मानना है कि जिस पे आपको लेवल्स मिल रहे हैं ना, भले वो कंडीशन के साथ मिल रहे हैं, इसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आएंगे। गाहे बगाए आगे पीछे कई बार शेयर और डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई हमारे से लेना देना नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सीने सीधी एक लाइन खींचे, आपको शेयर्स बताएं, स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रखें, उसके अंदर क्या पावर है, कितना नहीं है, आपको साफ साफ पता लग जाए। इसी का कल हम कोशिश करेंगे रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने के। हालांकि कल तो बजट है, कल तो प्रशांत जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही होंगे, तो मौका मिलेगा तो ज़रूर बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, एक काम कीजिए, अब आज को मद्देनज़र रखते हुए अगले 1 से 2 दिन के सौदे भी बता दीजिए आपने नोटिस किए हैं, और उसमें अगर कोई ऑप्शन का सौदा है तो पहले शुरुआत उससे कीजिएगा। बिल्कुल, तो फिर पहले ऑप्शंस का सौदा दूंगा। सेक्टर जहां पे नॉर्मली अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर सभी को लग रहा था वीक हो गया, बट ये वीक नहीं हुआ है। एक्चुअली मेटल सेक्टर में जब ट्रेंड पकड़ता है तो ये ट्रेंड 10 दिनों की, 5 दिनों की नहीं होती है, ये ट्रेंड जो होती है ये कम से कम 2 से 2.5 महीने की होती है। तो ये डिप थी जो आज हमने देख लिया कि वापस बाउंस आया, तो मेरा पिक इसमें वेदांता होगा ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने के लिए। और वेदांता की मैं 340 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम दे सकती है। यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5.4 का, और मेरा टारगेट 1 होगा 15 और टारगेट 2 होगा 19। तो ऑप्शंस की कॉल मेरी ये होगी। और जो बाकी पिक्स मुझे लग रहे हैं, तो सबसे फेवरेट मेरा होगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2515, और टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो होगा 2625 का, 2625। नेक्स्ट पिक मेरा होगा अगेन मेटल सेक्टर से टाटा स्टील। यहाँ पे मैं पिछली बार हमने अटेम्प्ट किया था, बट मार्केट जब वीक हुआ तब शायद टारगेट के नजदीक जाते जाते ही वो स्टॉप लॉस के करीब आया था, तो फिर से एक बार मैं टाटा स्टील में अटेम्प्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 117 और टारगेट होगा 127 का। और फाइनल पिक मेरा वो होगा जिसने साल के शुरुआत में ही एक हमें ऑप्शंस में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, वो होगा IOC। इसको मैं लेना चाहूंगा विद द स्टॉप लॉस एट 80.5, टारगेट मेरा होगा 88 का, 88। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अलग अलग सौदे आपने नोट कर ही लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि इन सभी सौदों से आपका जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ऑप्शनल ट्रेड, फ्यूचर्स ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें जो है अब आपके सामने समेट के लेके आते हैं, और उम्मीद करते हैं फ़ायदा मिल रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है तो आप हमको निजी तौर पर लिख के भी भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज प्रशांत जी आपका समय देने के लिए, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार। अगला कार्यक्रम जो है